नहीं, आप बिल्कुल मेरा मेडिकल नहीं कर सकते। मैंने कोई अपराध नहीं किया। महिला आयोग संबंध करता है भाई शंकर को गिरफ्तारी आप करते हैं की। आप लिख करके मैडम मेडिकल नहीं कराएंगे तो मैं कुछ लिख कर नहीं दूंगी। अगर आप लोगों ने मेरा किया तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनेगी। आप लोग मुझे जबरदस्ती मेरा मेरे साथ बदतमीजी की जा रही है। तब से वाइस चांसलर को महिला आयोग ने समन किया है और गिरफ्तारी छात्र संघ अध्यक्ष की होती है। सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि वो एक तरफ चिंतारण को बचाती है तो दूसरी तरफ वाइस चांसलर को बचाती है जो लड़कियों के साथ अवैध काम करा रहे हैं। इस सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि चिंतारण को बचाने वाली ये सरकार आज क्यों एक वाइस चांसलर जो लड़कियों के साथ अवैध काम करता है। इसमें क्या हुआ है? यहाँ सुनो के साथ छात्रावास के गेट पर बैठी हुई थी काफ़ी दिनों से। पहले भी उन्हें 149 CRPC के अंतर्गत नोटिस दी गई। बार बार लिखित और मौखिक रूप से समझाया गया लेकिन उसके बावजूद वो नहीं मानी। 144 धारा लगी हुई है। उनका यह कृत्य 188 IPC के अंतर्गत आता है और जानबूझकर अशांति का माहौल पैदा कर रही थी जिसके कारण उन्हें 188 IPC में गिरफ्तारी की गई है और नियमानुसार विधिक कार्रवाई के उपरांत उन्हें जुडिशियल मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से भी कुछ डायरेक्शन? ऐसी कोई सीधी जानकारी तो मुझे नहीं है लेकिन जैसा कि चीफ प्रॉक्टर सर से बात हुई थी तो ऐसा डायरेक्शन है कि इलाहाबाद में विश्वविद्यालय में शांति का माहौल रहे, पठन पाठन में कोई व्यवधान न हो, इस बात को सुनिश्चित करने का निर्देश है। और उनके बैठे रहने से महिला छात्रावास के अंदर आने जाने वाली बच्चियों को, छात्राओं को दिक्कत हो रही थी। आपने ध्यान दिया होगा उनके साथ काफ़ी पुरुष लड़के जो है छात्र हैं वो भी बैठते थे इसलिए काफ़ी दिक्कत हो रही थी। जी हम आपको बता दें कि ये अनशन हम लोगों का लगातार 15-16 दिन चल रहा था और बेहद शांतिपूर्वक चल रहा था, जिसके बावजूद भी आप प्रशासन हमारे आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। यह एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या है और इस आंदोलन में अभी ऋचा दीदी और उनके साथ दो छात्राएं थी उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी देखिए जेल भेजने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम लोग इसको रुकने नहीं देंगे, आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे, इसकी लड़ाई लड़ेंगे मजबूती से। बहुत भयंकर हाँ।